परमार्थ धाम बटेश्वर, पौराणिक तीर्थ बटेश्वर में लगभग 400 वर्ष पूर्व लगता चला आ रहा बटेश्वर मेला, कार्तिक मेला अभी लग रहा है। संतों के, महंतों के, आचार्यों के अखाड़े को आज के इस युग में, आज के इस समय में और तत्काल के समय में इस अखाड़े का स्वरूप राजनैतिक होता जा रहा है। मैं हर संभव प्रयास करूंगा कि इस राजनैतिक स्वरूप को बदलने के लिए पुनः स्थापना हो संतों के अखाड़ों की, महंतों के अखाड़ों की और आचार्यों के अखाड़े की। इस दिशा में हमारा जो कदम होगा वो ये होगा कि हम शाही स्नान के बदले में उसको समाप्त करते हुए, उस प्रथा को समाप्त करते हुए परमार्थ धाम बटेश्वर एक नई प्रथा का प्रारंभ करेगा और उस प्रथा का नाम होगा राजसी अमृत स्नान यात्रा, जो संतों के, महंतों के, महामंडलेश्वरों के, आचार्यों के और श्रद्धालुओं के, सदगृहस्थों के सहयोग से ये यात्रा प्रारंभ होगी। कल यात्रा का पहला दिन होगा और ये यात्रा दौज तक 17 तारीख तक अनवरत नित्य प्रति यात्रा होगी। इसमें अनेकानेक श्रद्धालुओं को आमंत्रित किया गया है, वो श्रद्धालु आ रहे हैं और महामंडलेश्वर पूर्व कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश सरकार स्वामी हरिहरन जी महाराज भी कल पधार रहे हैं। उन्होंने अपने आने की सूचना, अखाड़ा लगाने की सूचना जिला पंचायत अध्यक्ष महोदया मंजू भदौरिया जी को फोन के माध्यम से भी सूचित कर दिया था और मेरे द्वारा पत्र व्यवहार करा करके भी उन्होंने सूचित कर दिया है। देखना यह है कि जिला पंचायत की व्यवस्थाएं किस स्तर तक अपने अखाड़ों को संभाल पाती हैं और किस स्तर तक वो महामंडलेश्वरों की सेवा कर पाती हैं। इस संदर्भ में क्षेत्रीय शासन प्रशासन सभी को अवगत करा दिया गया है। आज की प्रेस वार्ता का जो मुख्य उद्देश्य है वो अपने स्वरूप में वापस लौटने के लिए ही है। ये अखाड़े साधु संतों के हुआ करते थे, राजनीतिक लोगों के नहीं। आज राजनीतिक लोगों के अखाड़े होते जा रहे हैं। मैं हर संभव प्रयास करूंगा परमार्थ धाम बटेश्वर की ओर से कि वो अखाड़े अपने प्राचीन रूप में, अपने वैदिक रूप में, अपने सनातनी रूप में लौटें। हमने शाही नाम बदल करके इस यात्रा का नाम इसीलिए राजसी अमृत स्नान यात्रा नाम रखा है और इस यात्रा में कल सैकड़ों श्रद्धालु, सैकड़ों सदगृहस्थ, सैकड़ों महंत, संत और श्रद्धालु भाग लेंगे।